इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। उदयपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस की टीम को बदमाशों ने घेर कर पीटा। घर के पास पहुंचते ही 30 से 35 लोगों ने घेराबंदी किया। हमला पुलिस के जवानों को भगाने के लिए उन पर पहले पथराव किया, फिर फायरिंग की। बाद में बदमाशों ने घेराबंदी कर पुलिस टीम को साथ ही बुरी तरह से मार पीट कर उदयपुर IG अजय पाल लांबा ने बताया कि रणिया नाम का एक आरोपी मांडिया थाने और वांटेड हिस्ट्री शीटर के उनका बेटा खाजरू भी आरोपी है। जानकारी मिलने पर SP विकास शर्मा और एडिशनल SP मजीत सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मांडवी इलाके के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि जिन अपराधियों ने पुलिस पर हमला किया है उन्हें पकड़ने के लिए SP सहित उनकी टीम रात भर मांडवा क्षेत्र में डेरा डाले हुए थे। IG ने बताया कि पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। थाना क्षेत्र में आज शाम करीब 7 बजे कुकावास क्षेत्र में एक अपराधी के होने की सूचना मिली थी। ये अपराधी लूट डकैती इस तरह के प्रकरणों में कई जगह वांछित होने के साथ साथ मांडवा में भी पिछले 1 महीने पहले हुई वारदात में वांछित था। इस सूचना पर थानाधिकारी में पुलिस बल के दबिश देने पहुँचे। दबिश के दौरान जो ही थानाधिकारी और जाप्ता इसके घर के नज़दीक पहुंचता है तो इन अपराधियों के द्वारा घात लगाकर चारों तरफ से इन पर हमला कर दिया जाता है। हमला में पथराव करते हैं। पथराव करने पर जो भगदड़ होती है उसमें पुलिस पर लाठियों से चाकू से हमला करते हैं। अपराधियों के द्वारा फायरिंग की जाती है, उसमें पुलिसकर्मी उस अफरा तफरी में इधर उधर भागते हैं। उस दौरान कईयों के अपराधियों के द्वारा लाठियों से पत्थरों से चाकू से वार किया जाता है। उसमें हमारे 7 पुलिसकर्मी थानाधिकारी सहित घायल हुए हैं। 7 का ही उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार कराया जा रहा है। 7 आउट ऑफ डेंजर हैं। जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है जिला कलेक्टर उदयपुर और हॉस्पिटल अधीक्षक के नेतृत्व में सारी डॉक्टर्स की टीम बेस्ट इलाज के लिए यहाँ लगातार प्रयास कर रहे हैं और सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक उदयपुर और उनकी टीम इलाके में कोर्डोन करके उन अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया है। सर, फायरिंग की भी सूचना है क्या? हाँ, अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई है और उस फायरिंग में पुलिस कर्मी के अभी तक कोई गोली लगने जैसा अलामत नहीं मिले। घटना में के पश्चात क्योंकि पुलिस कर्मी घायल हो गए, उस दौरान आरोपियों द्वारा एक SLR और एक पिस्टल छीनने की जानकारी प्राइमा फेसाई मिली है। अभी तक SLR और पिस्टल मिसिंग है। सर, नामजद हुए हैं इसमें एक अपराधी जो पूर्व में भी अपराध करता रहा है, मांडवा थाना क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर रहा है, रणिया का बेटा है खाजरू वांछित चल रहा था और उसी के लिए पुलिस गई थी।